हे व्हाट्सअप गाइस, तो क्या चले यार, आ गए कौन वीडियो के साथ में आप इससे हो गए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ओपन वर्ल्ड गेम जो कि पूरी की पूरी GTA 5 के जैसी है, जिसे आप लोगों को खेलकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइस यार, इस गेम का नाम है इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D। सो गाइस यार, ये एक ऑफलाइन गेम है जिसे आप लोग मतलब कि अपने 1GB और 2GB रैम डिवाइसेस में आसानी से खेल सकते हो, और ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप लोग देख सकते हो कि गेम कितनी ज़्यादा बढ़िया है, और रही बात खेलने की तो वो तो आप लोगों को डाउनलोड करके ही पता चल जाएगा। सो गाइस यार, इस गेम के अंदर हमारा एक करेक्टर है जो कि पूरा का पूरा फ्रैंकलिन की तरह लगता है। सो गाइस यार, गेम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सो गाइस यार, एक बार इस गेम को ज़रूर से ट्राई करना, और GTA 5 के लवर इस गेम को फ़न के लिए ज़रूर से खेल सकते हो। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। और रही बात इस गेम की, जहाँ पर फ्रैंकलिन भैया का पार्ट 2 आ चुका है। सो गाइस यार, इस घर में मतलब के मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ मतलब सामान वगैरह नहीं दिख रहा फ्रैंकलिन भैया का, शायद से अभी अभी शिफ्ट हुए का। सो गाइस यार, हमें क्या करना है अब से, हमें मतलब के फ़िलहाल फर्स्ट डे है हमारा इस गेम में, तो पूरे घर को एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। सो ये है हमारा किचन। सो यहाँ पर ये हमारे पास बालकनी दी हुई है, बालकनी को फ़िलहाल बाद में देखेंगे, फ़िलहाल किचन को देखते हैं पहले। अबे यार, किचन में और कुछ सामान वगैरह नहीं रख, पूरा का पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, मतलब कि कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर हमारे पास ये लॉन्च है जहाँ पर कुछ सोफ़ास वगैरह पड़े हुए हैं, और यहाँ पर अबे भाई साहब मोबाइल भी है इसके पास, तो हम तो इसे गरीब आदमी समझ रहे थे। सो गाइस यार, GTA 5 की तरह आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर मोबाइल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पर संजय भैया, तेजस भैया, अभिषेक भैया, यश भैया, तुषार भैया को कॉल लगा के देखते हैं, लेकिन किसी को भी कॉल नहीं लग रहा। सो ये मोबाइल अभी फ़िलहाल किसी काम का नहीं है। सो गाइस, सिर्फ काम का है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, फ़िलहाल इसे देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, आई थिंक बाथरूम है। सो यहाँ पर ये टब दिया हुआ है जहाँ पर ठंडा पानी रखा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल नहा नहीं सकते। सॉरी फ्रैंकलिन भैया, तुम्हारी किस्मत में तो नहाना लिखा ही नहीं है। ओके, घर तो मस्त खरीदा है फ्रैंकलिन भैया ने, अब फ़िलहाल चल के बाहर से भी देख लेते हैं। ओ भाई साहब, क्या ही लग्जरी हाउस बना रखा है, मतलब कि ओपी बोला जाए। सो गाइस यार, इस गेम को भी मैं 10 में से 10 out of 9 दूंगा, क्योंकि यार फ़न के लिए एकदम राइट है। सो गाइस यार, ये रही हमारी मेरी नहीं, फ्रैंकलिन भैया की KTM है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सो हो सकती है एक दिन, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते हो। सो गाइस यार, ये रही हमारे पास फ्रैंकलिन भैया की KTM। सो एक बात मैं आपको बताने भूल गया कि मतलब कि इस गेम को डेवलप किया है इंडिया ने। सो GTA 5 से इंस्पायर होकर इस गेम को बनाया गया है, सो इतना तो मुझे ही पता है। और सेफ्टी, रही बात सेफ्टी की, सो वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे हर बाइकर्स के लिए ज़रूरी है कि उसका हेलमेट होना उसके सर पर ज़रूरी है, क्योंकि हेलमेट हो तो चोट थोड़ी कम लगती है। सो गाइस यार, अगर कार हो तो हमारे पास, तो सीट बेल्ट ज़रूर से पहना करें, क्योंकि वह सेफ्टी के लिए एकदम परफेक्ट है। सो 100 मीटर की रेस से भागते हैं हम लोग अपनी बाइक को, भगाते हैं KTM को, जो कि बहुत ही पावरफुल बाइक है। अबे भाई ध्यान से यार, क्या आगे बढ़ जाता है वरना जाली पे, तो अगर स्पीड इतनी लगानी है तो सीधे रोड पे भागना है यार, हाईवे पे भाग। फ्रैंकलिन भैया क्या कर रहा है यार, फ्रैंकलिन भैया का पार्ट 2 है ये। सो आप लोग देख सकते हो FPS मोड में किस तरीके से ज़बरदस्त लग रही है। ओ भाई साहब, सो गाइस यार, अपनी KTM चलाते चलाते मैंने सामने देखा एक स्टंट, जो कि मैंने सोचा यार क्यों ना कि ये स्टंट करा जाए। सो गाइस यार, अब हम लोग ये स्टंट करने वाले हैं, और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा इसमें कि मतलब कि GTA 5 में जैसे कि फ्रैंकलिन ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो क्या हाल होता है, इसी तरीके से ये भी गिर रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग मरे नहीं हैं। सो गाइस यार, बच गए हैं, हमारा मतलब कि अभी वक्त नहीं आया था मरने का। सो गाइस यार, बाइक पता नहीं कहाँ चली गई अपनी, ओ भाई साहब इतना ही दूर गिरी है अपनी KTM। सो गाइस सर, कौन लेने जाएगा। सो गाइस सर, मैंने सुना है इसके अंदर कि ये चीट कोड एक्टिवेट करने के लिए काम आता है मोबाइल, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था इसका एक काम है। सो हम लोग चीट कोड एक्टिवेट करते हैं, क्या एक्टिवेट करें, हाँ 1111। सो गाइस सर, 4 मरतबा 1 दबा के देखते हैं क्या होता है। ओ भाई साहब, चीट कोड प्रोसेसिंग हो रहा है। सो गाइस सर, हमारे पास मिली है एक बाईसाइकिल। ओके, सो गाइस सर, ऐसे बहुत से चीट कोड्स हैं जिसे आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं होगा पता नहीं। अगर आप लोगों को इसके चीट कोड्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका ये भाई चीट कोड के लिए एक अलग से वीडियो बनाएगा।
सो गाइस सर बाईसाइकिल चलाते चलाते काफ़ी थक चुके हैं, मैंने सोचा क्यों ना एक कोड चीट कोड्स एक्टिवेट किया जाए। सो गाइस सर मोबाइल निकालते हैं अपना और ये लगाते हैं चीट कोड। सो गाइस सर इस बार 4 मरतबा 2 दबाने वाला हूँ, देखते हैं क्या आता है। अबे भाई गाड़ी आ गई अपने पास, यही तो चाहिए था यार हमें। सो गाइस सर चीट कोड्स फ़िलहाल अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मालूम करके मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा और वीडियो भी बनाऊँगा। सो कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर से बताना आप लोग। सो अपनी गाड़ी को फ़िलहाल भगाते हैं और ले कर चलते हैं यहाँ से। और गाइस यार इस गेम के ग्राफिक्स भी एकदम ओपी हैं। अबे भाई यार भेड़ दिया यार, फरारी बेचारे की लैम्बोर्गिनी मतलब के ख़राब करती यार, क्या ही। अबे भगाड़ा काई को यार, आके मारना है GTA 5 की तरह मारेगा नहीं क्या मुझे। सो गाइस यार जब से उस लैम्बोर्गिनी को देखा है ना, मेरा भी दिल लैम्बोर्गिनी चलाने को चाह रहा है। सो गाइस यार वहाँ पर एक येलो लैम्बोर्गिनी थी जो कि भाग चुकी है यहाँ से। अबे भाई ये देखो। सो गाइस यार ये वही उसी लैम्बोर्गिनी का पुर्जा है जिसे हमने मतलब कि टोकर मार के गिरा दिया था, फोड़ डाला था बेचारी लैम्बोर्गिनी को। और वो ड्राइवर मतलब कि एकदम डरपुक था, डरपुक। सो गाइस यार हमारे पास वीपन भी दिए हुए हैं इस गेम में। सो गाइस यार वीपन देखते हैं कौन कौन से हैं। अबे भाई RPG यूज़ कर दिए सबसे पहले, इस गाड़ी को मतलब कि क्रैश करने वाले हैं। सो गाइस यार हम लोग ध्यान से तो ओपी यार, क्या ही धराम से आवाज़ आई है। वंस मोर। सो गाइस सर एक बार और मतलब के चलाने को दिल चाह रहा है। सो गाइस सर इसे फोड़ कर देखते हैं, तो आप लोग सुनना जरा। खत्म। कैसा लगा? एकदम ओपी ना। सो सब्सक्राइब तो बनता ही है। अच्छा। सो गाइस सर पिछली बार हम लोग उस स्टंट में फेल हुए थे, लेकिन हमें मिला एक और नया न्यू स्टंट जिसे हम लोग मतलब के कंप्लीट करके छोड़ेंगे और इस फ्रैंकलिन पार्ट 2 को मार कर ही छोड़ेंगे। सो गाइस यार बहुत ही अपनी KTM हवा में उड़ रही है, मतलब कि फुल हवाई बाइक बन चुकी है। ऊपर से ये गिरा है नीचे की तरफ, तो क्या होता है आप लोग, बस गया भाई गया। सो गाइस यार व्हीकल्स की बहुत मस्ती कर ली हमने, सोचा कुछ ना वीपन्स की भी मस्ती करी जाए। सो हमारे पास है AK-47, सो चला के देखते हैं क्या होता है। ये तो गया ओपी। सो दूसरा वीपन एक कौन सा है हमारे पास, शिकार पहले ढूंढते हैं। शिकार कहाँ है अपना शिकार, बेटा कहाँ है तू, आ जा, नज़र क्यों नहीं आ रहा यार हमें, कहाँ ही चुप कर बैठे हुए। एक के से डर के नहीं मिला। AWM से मारेंगे इस बार इससे। सो गाइस यार एम करके मतलब के गोली चलाते हैं, हेडशॉट नहीं मारते यार, क्या ही मतलब के इतना टॉर्चर क्यों करें हम लोग किसी इंसान को। सो अबे भाई ये तो एक ही गोली में मर गया, क्योंकि AWM ही इतनी पावरफुल होती है। सो इस बार हम लोग ट्राई करने वाले हैं अपनी डेजर्ट ईगल को। सो इसे मारकर देखते हैं फिलहाल। ओके एक ही गोली की बंदी थी। सो गाइस यार सारे के सारे एक ही गोली में मर जा रहे हैं। और अपनी दीवानी दिल की रानी लैम्बोर्गिनी सामने से दिखाई मिल चुकी है। सो गाइस यार क्या ही ओपी, मज़ा आ गया। सो गाइस यार ये क्या, दरवाज़ा खोलने से पहले ही बंदा लैंड हो चुका है ज़मीन पर। सो अपनी लैम्बोर्गिनी को भी हम भगाते लेकर चलते हैं यहाँ से, फुल हवाई स्पीड में लेकर चलते हैं। और ये रहा लैम्बोर्गिनी का इंटीरियर जो कि एकदम समझ जाओ। सो गाइस यार हमारे पास एक कोर स्टंट दिया गया है हमारे पास। सो गाइस यार इसे कंप्लीट करके देखते हैं कि क्या ही होता है। इस बार हम लोग लैम्बोर्गिनी से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि बार बार मरने का शौक थोड़ी ना हमें यार, समझ रहे हो क्या हाल होगा जब ये लैम्बोर्गिनी ज़मीन पर गिरेगी। सो ये हाल होता है सो गाइस यार जब एक लैम्बोर्गिनी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती। सो गाइस यार हालत देख सकते हो आप इस लैम्बोर्गिनी की, जो कि चलने के काबिल ही नहीं है। सो चीट कोड यार, हमारे पास चीट कोड्स हैं, मोबाइल है अपने पास, मालूम नहीं है क्या। सो गाइस यार इस बार हम लोग ट्राई करते हैं 4 मरतबा 3। सो ओ बे भाई क्या ही बोला जाए, एकदम समझ जाओ यार ओपी। सो बैठते हैं अपनी फ्लाइट में, प्राइवेट जेट में। सो गाइस यार हमारा प्राइवेट जेट है लैम्बोर्गिनी। सो गाइस यार दरवाज़ा कहाँ इसका, ओके ये रहा, बैठ जाते हैं यहाँ से, क्या ही दरवाजे खुलते हैं इसके, ओपी बोला जाए यार, क्योंकि मेरा डायलॉग आप लोगों को तो पता ही है ओपी। सो गाइस यार मैं अपनी लैम्बोर्गिनी को भगाते एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ। हाँ मालूम है, आप लोग सोच रहे हो कि लैम्बोर्गिनी हरी थी येलो कैसे हो गई, कोई नहीं चेंज कर लिया। ओ बे बाइक क्या ही ड्रिफ्ट मारी है यार ओपी, अबे हर बात पे ओपी थोड़ी ना होता है। सो गाइस यार सामने है हमारा रियल वाला प्राइवेट जेट जिसे हम लोग ट्राई करने वाले हैं। सो दिल थाम के बैठ जाओ मेरे दोस्तों। सो ट्राई करते हैं इस हेलीकॉप्टर को। हेलीकॉप्टर
सो गाइस सर सामने अपनी लैम्बोर्गिनी ने रास्ते को ब्लॉक कर रखा है, लेकिन कोई नहीं यार, अपना प्लेन डायरेक्शन चेंज कर लेगा यार। सो गाइस यार पहले हम आए थे वेगास सिटी में, अभी तो रुको, फिर लैंड हुए लॉस सैंटोस में, और अब लैंड होने वाले हैं किसी वंडरफुल सिटी में। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से आपको वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी और नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा गेम्स विद एक्स्ट्रा फन के साथ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?